हुआ, आइए आइए बैठिए। अरे मेघा जाओ चाय नाश्ता पानी लाओ। मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे बेटा मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं। पर ये सब कर तो और आपकी बेटी के ले रहा हूँ। अरे बेटा जो कुछ था मैंने अपनी बेटी के दहेज में दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, मेघा को लेने आओ, मेघा को भेज दीजिए। अरे मेघा बेटी, दामाद जी तुम्हें लेने आए हैं, जाओ तुम अपना सामान पैक कर लो। लेकिन पापा आप तो बिल्कुल अकेले हो जाओगे। अरे बेटी मेरा क्या है, जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है तब से अकेले रहने की आदत सी हो गई है। जाओ तुम अपना घर संभालो, सामान पैक कर लो। टिंग टोंग। माँ देखो भैया भाभी को लेकर आ गए। अरे आ गई बहू। जी माँ जी। जीती रहो। मामा मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। अरे बहू इसके लिए खाना बना देना, बहुत देर से भूख भूख कर रही है। जी माँ जी अभी बनाती हूँ। अरे रुको, मेरे लिए दाल की कचौरियाँ बना देना और नवीन के लिए रसमलाई, उसे बहुत पसंद है। जी माँ जी। अरे बेटा पैसों का इंतजाम हुआ? माँ मैंने उनसे बोला तो था, पर उन्होंने बोला मुझ पे रुपए नहीं है। तो इसको क्यों उठा लाया? माँ वैसे भी घर में एक नौकरानी की तो जरूरत है ही ना। ठीक है ठीक है ठीक है माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। माँ जी लीजिए नाश्ता। डिंग डोंग। देखो बहू कौन है। जी माँ जी। अरे पापा आप आइए। माँ जी देखिए पापा आए हैं। अरे समधी जी नमस्कार। नमस्ते बहन जी। कैसे हैं नवा? अच्छा, आप पैसों का इंतजाम करके लाए हैं? अरे बहन जी मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आप सबसे मिलता चलूं। अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो इतने बड़े घर में शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे के लिए हजारों रिश्ते आए थे, मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा। अब जाओ यहाँ से, जब पैसे हो तभी आना, वरना अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में दोबारा मत आना। जाओ यहाँ से। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाओ भाई लेकर, और किचन में बर्तन साफ कर देना और कपड़े भी। देखो अब कौन है दरवाजे पे। अरे तुम यहाँ? अच्छा ये तुम्हारा घर है? हाँ लेकिन तुम यहाँ? मैं एक समाज सेवा संस्था की कार्यकर्ता हूँ और अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। माँ मुझे बाहर जाना है, अभी तक कपड़े भी प्रेस नहीं किए भाभी ने, जब देखो जब सोती रहती है। अरे अब गप्पे ही लड़ाती रहेगी, जल्द से कपड़े प्रेस कर। मेघा तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए। आजकल की कानून इतनी सख्त हो गई है कि किसी को भी सजा दिला सकती है। तुम यहाँ से जाओ प्लीज, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वरना पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हमें सजा दिलवाएगी है? हमें सजा दिलवाएगी? अरे छोड़ बेटा, जा तू घास लेने का, तू माचिस लेके आज इसका काम खत्म कर देती हूँ। जी माँ आप ठीक कह रही हो। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन सब, ये वही दरिंदे हैं जो दहेज के लिए अपनी बहू को परेशान करते हैं और उन्हें जला देते हैं। तो देखा आप सभी ने कि ये लोग दहेज के नाम पर अपने बहुओं को कैसे परेशान करते हैं। आइए हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं कि ना ही हम किसी को दहेज देंगे और ना ही लेंगे, और दहेज के लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद।